नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपके सामने में स्क्रीन दिख रहा है मेरे कमेंट सेक्शन का, और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक दो लोगों का यहाँ पर जवाब देना। लिए सोहन जी ने एक सवाल लिखा है कि सर इंट्राडे में एंट्री कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है सर एंट्री कैसे करें, उस पर हो सके तो एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़। रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है मालवीय जी, आप आदेश करें तो मैं बना सकता हूँ, और कई बार सैकड़ों वीडियो मेरे अवेलेबल हैं आरके ट्रेडिंग चैनल पे। अगर आपने देखा हो तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए मैं बात करता हूँ कुछ कि किस तरह से जो है आपको इंट्राडे ट्रेड को देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्राडे का मतलब, पहले हम लोग इंट्राडे का मतलब समझेंगे कि आज कई बार सैकड़ों वीडियो मेरे ऐसे बने हुए हैं इंट्राडे पे, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आप पहले समझिए कि इंट्राडे का मतलब होता क्या, ये बहुत इसका अट्रैक्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग का सारे लोगों के लाइफ में, मतलब जो मार्केट से जुड़े हुए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का अट्रैक्शन है। मैं आज भी अपने लाइव सेशन तारीख है 7 अप्रैल, ऐसे बता दूँ तो 7 अप्रैल के लाइव सेशन में जब मैं ट्रेड कर रहा था तो वहाँ पे कुछ बंदे ने पूछा कि सर शॉर्ट टर्म कॉल बताइए, कुछ पोजिशनल कॉल बताइए, कुछ इस टाइप की बात। पता है आपको मैं शॉर्ट टर्म कॉल, आप मेरे व्यूवर हैं तो मैं शॉर्ट टर्म कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ, एवरी डे होता है तो प्रोवाइड करता हूँ, आज भी बहुत सारे कॉल दिए हैं शॉर्ट टर्म कॉल, और मैं वीकली भी पोस्ट करता रहता हूँ, मंथली भी पोस्ट करता रहता हूँ सोशल मीडिया, और डेली भी पोस्ट करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने पर्सनली पूछा कि सर कुछ शॉर्ट टर्म कॉल दीजिए, तो दैट मीन्स सिग्नल क्या आ रहा है, सिग्नल क्या आ रहा है पता है, क्योंकि सिग्नल ये आ रहा है कि वो इंट्राडे के लिए टाइम निकाल रहा है। देखिए ध्यान से, इंट्राडे के लिए पार्टिकुलर कोई बंदा टाइम निकाल रहा है क्योंकि इसका अट्रैक्शन अलग है सर, और ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ लोगों ने एक तरह का गलत फहमी बना रखा है अपने मन में, या कुछ बड़े बड़े प्रॉफिट लोगों के देखे होंगे, असली है या नकली मुझे पता नहीं, क्योंकि सामने में कोई ट्रेड तो करता है नहीं, जैसे हम लोग लाइव करके दिखाते हैं 20 लोग बैठे रहते हैं 40 लोग बैठे रहते हैं, है ना, कोई हिमाचल से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जम्मू से, कोई कश्मीर से, कोई इंदौर से, कहीं सबके सामने बीच में ट्रेड होता है, तो वहाँ कोई छिपा हुआ होता नहीं। लेकिन जो लोग बड़े बड़े प्रॉफिट बाद में दिखाते हैं सामने, तो आपको पता है वो लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं नहीं, कि वो बताते हैं कि यहाँ पे खरीदा वहाँ पे खरीदा, क्या खरीदा भगवान मालिक, तो उसके जो प्रॉफिट होते हैं, और एक हेडिंग होता है नो लॉस स्ट्रैटेजी, इस टाइप की हेडिंग लोग सबसे वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इसके वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग का चार्म बढ़ जाता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये गलत फहमी चला जाता है कि यहाँ बहुत आसानी से पैसा बनता है, तो बंदा कितना भी बिजी हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल ही लेता है, वही शॉर्ट टर्म कॉल वीकली पिक्स ये सब देखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, डायरेक्ट चाहता है कि भाग कर ले। तो आपने पूछा कि कैसे एंट्री करना है, तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करिए, अपने आप से पूछिए 2-3 सवाल, क्या आप इंट्राडे के लिए बने हैं, अपने आप से पूछ लीजिए ना, क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बने हैं, अपने आंसर देगा। मैंने एक बार बहुत पहले सर्वे किया था, विल शूट मी इंट्राडे ट्रेडिंग, वी विल शूट मी इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरह से हेडिंग करके बना हुआ है, क्या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, शूट करना चाहिए, तो वहाँ मैंने नंबर वाइज कुछ क्वेश्चन पूछे थे लोगों से, एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है आरके ट्रेडिंग के चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहाँ साइकोलॉजी वाले में पीला ऐसा थंबनेल होगा, वी विल शूट इंट्राडे ट्रेडिंग, विल शूट भी इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरह से करके है, तो वहाँ नंबर वाइज दिए, तो वहाँ खुद पता चल जाएगा, जब आप वो क्वेश्चन आंसर अपने आप से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप बने हैं या आप नहीं बने। तो सबसे पहले तो एंट्री की बात भूल जाइए, एंट्री की बात आपको नहीं करना है, पहले आपको ये बात करना है कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बने हैं, क्या आपका माइंडसेट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सीरियसली लोगों की संख्या की अगर बात करें तो 5% से भी खराब है, बहुत खराब, मतलब अगर 100 लोगों का एवरेज में मान के चलूँ, 100 लोग आते हैं तो आप अक्सर सुनते होंगे कि 95 लोग फेल हो जाते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये 95 लोग फेल हो जाते हैं। एक बात बताइए, 95 लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं ये 95 लोग जो ये फेल हो जाते हैं, सोचिए ज़रा आप, ऐसा ये क्या करते हैं जो 95 लोग फेल हो जाते हैं और 5 लोग ही पास होते हैं, ऐसा ये क्या करते हैं 5 लोग, ठीक
ठीक है, तो जो सीरियसली लोग होते हैं ना वो एक्चुअली आपको जल्दी नज़र नहीं आएंगे, नज़र इसलिए नहीं आएंगे ना, तो जल्दी आपको कहीं से बातचीत करते हुए मिलेंगे ना, जल्दी टाइम देते हुए मिलेंगे ना, ज़्यादा कुछ कहते हुए मिलेंगे, है ना। और अपना हेडिंग भी जो लिखते हैं ना वो वीडियो में बिल्कुल साफ सपाट सा हेडिंग लिखते हैं, सिंपल सिंपल जो वर्ड होता है वो लिख देता है, तो मतलब रॉकेट साइंस वाली हेडिंग नहीं लिखते, क्योंकि वो यूट्यूबर लोग लिखता है, ट्रेडर नहीं लिख सकता है। लो नो लॉस स्ट्रैटेजी, इतना का बड़ा प्रॉफिट, इतना का, ये सब नहीं लिखते, सिंपल सिंपल लिख के निकल जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हुआ, दूसरा आपको ये, अभी हम लोग आपके टॉपिक पे बात करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री कैसे करना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं। इसका आंसर कौन देगा? मैं दूंगा? नहीं, उसका आंसर आप अपने से खुद खुद को चेक करिए, क्या आपका माइंडसेट फ्लेक्सिबल है, माने तुरंत से अप तुरंत से डाउन हो सकता है मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट तेज़ी से बदल जाता है, आप बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, कि आप अड़े रह जाते हैं, जीत कर जाते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे दिमाग में दो चीज़ होता है, या तो मेरा टारगेट आएगा, सिंपल बात समझिए, या तो मेरा टारगेट आएगा या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट आया तब भी मैं एग्जिट हो जाऊँगा, बाहर बैठ जाऊँगा, एसएल कटा तब भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर उसको मैं देखूंगा भी नहीं, वो ट्रेड मेरा ओवर हो गया, ठीक है। इस तरह से चाहे कोई भी रहे, चाहे करेंसी रहे, इक्विटी रहे, चाहे एफएनओ रहे, कोई भी रहे, चाहे टारगेट आएगा तो एग्जिट, स्टॉप लॉस आएगा तो एग्जिट। लेकिन यहाँ हमारा माइंडसेट जो होता है ना मालवीय साहब, यहाँ माइंडसेट होता है रिवेंज। हम लोग अपने सोशल लाइफ में लोगों से बदला लेते हैं, बहुत कम लोग ही हैं अभी, तो खैर कलयुग का युग है तो और बढ़ गया, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोगों के अंदर एक रिवेंज टेंडेंसी रहता है। रिवेंज टेंडेंसी मतलब बदला लेने की प्रवृत्ति, और ये बदला लेने की प्रवृत्ति आम लोगों में, हम लोगों में बचपन से डाल दिया जाता है अंदर से, जीन्स में, है ना। हम लोग अक्सर, आप लोग झगड़ा में, हम लोग, आप सुनते होंगे, तुम जानते हो हमको, हम कौन हैं, ऐसे जब आपस में झगड़ा होता है तो आपस में आप लोग ऐसे बात करते हैं ना लोग बीच में, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि तुम कहाँ, तुम किससे बात कर रहे हो, खरीद लेंगे खड़े कर, कितना औकात है तुमको। तो बदला लेने की एक रिवेंज होती है हम लोगों के अंदर, बदला लेने का एक मतलब एक टेंडेंसी होता है, वो बदला टेंडेंसी जो होता है ना, वो रिवेंज लेने की टेंडेंसी, वही चीज़ हम लोग मार्केट में भी आके यूज़ करते हैं, और मार्केट को बोलते रहे तुम हमको लॉस करा रहे, रहे तुमको पता है हम कौन है, कितना पैसा है मेरे पास। तो ये टेंडेंसी, ये सेम आपको, आप कहेंगे नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं बोलता, आप कहेंगे बिल्कुल बोलता नहीं है, वो बिहेवियर में दिख जाता है। जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके वो बिहेवियर में आ जाता है, वो बिहेवियर में दिखने लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट स्टार्ट हो जाता है, कि जो हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं, वही चीज़ हम आके मार्केट में करने लग जाते हैं। पहला बात तो ये, तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ करते हैं, चाहे बदला लेते हैं, चाहे जो भी करते हैं, वो अगर वही चीज़ आप मार्केट में भी आके करेंगे तो मार्केट आपको वही देगा जो नॉर्मल लाइफ में आपको मिल रहा है, क्या? धुलाई। सिंपल समझिए ना, धुलाई मतलब पिटाई। झगड़ा करेंगे तो पिटाई तो लगेगी ना, हो सकता है दो थप्पड़ आप ज़्यादा मारे, दो थप्पड़ दूसरा वाला ज़्यादा मारे सामने वाला, पर थप्पड़ तो लग रहा है ना, तो धुलाई हो जाती है तो मार्केट भी उसको धो देता है पकड़ के, सेम चीज़ वही होता है। तो यहाँ क्या करना है ना, कि सॉरी बोलना है। क्या बोलना है? सॉरी, सॉरी बोलना है कि भाई गलती हो गई। इतना सब बोलेंगे ना तो मामला सलट जाएगा। हम लोगों में ये वर्ड नहीं हो पाता, सॉरी नहीं निकल पाता हम लोग के मुँह से। मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने थोड़े, वो बोलेगा सॉरी, मैं क्यों बोलूँगा सॉरी। हाँ, जैसे लगे कि हम लोग राष्ट्रपति हैं, ऐसे फीलिंग रख लेते हैं अपने मन में। सॉरी बोलना है, लाइफ में भी बोलना है, ताकि पर्सनल चीज़ें सुधर जाए, यार दोस्तों के बीच में अच्छा पैट बन जाए, समझ जाए कि नहीं लड़का गलती करता है तो सॉरी भी बोलता है, मार्केट भी समझ जाएगा कि नहीं बंदर से गलती होता है तो सॉरी बोल के निकल लेता है, लड़ने के लिए नहीं आता है, रिवेंज लेने के लिए नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको एक चीज़ तो ये पता करना है कि आप डे ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं, डे ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं। दूसरा, क्या आप में रिवेंज लेने की आदत है, क्या आप बदला लेने की आदत रखते हैं अपने अंदर में, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंट्री तो बाद की चीज़ है, पहले तो एंट्री के लिए जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए आप। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर में है, बदला की प्रवृत्ति और सॉरी ना बोलने की आदत, तो मार्केट से दूर रहिए, सीधी सीधी सी बात है। तीसरा, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी आप चेंज नहीं कर पाते अपने आप को मार्केट के हिसाब से, तो आप फिर बाहर बैठिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आपको पता है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, साथ ही मेरे
चैनल पे रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटेजीज़ है जो फ्री में वहाँ पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अब देखिए लोग यहाँ क्या खोजते हैं, यहाँ कहते हैं कि मुझे रॉकेट वाला टारगेट वाला स्ट्रेटेजी बताओ। रॉकेट मतलब एकदम 2 रुपये का रिस्क हो जाए, 200 पॉइंट का टारगेट हो जाए, इस टाइप का, मतलब अनमन जतरा टाइप का, मतलब बेतुका सब वाला टारगेट का, माने वो स्ट्रेटेजी ढूंढता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। फिर वो बंदे को स्ट्रेटेजी मिल भी जाता है ना, बेस्ट इंटरनेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करके ऐसे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, लोगों ने बना बना के पागल बना के रखा हुआ है, और कुछ रहता है नहीं, आपको इसमें भी पता है सब कुछ सही है। तो आप अगर वो स्ट्रेटेजी देख के अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या लोगों के प्रॉफिट देख के इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो भैया मत करिए, तो फिर मत करिए भैया, फिर बड़ा वाला नो ना। तो इसके लिए तो फिर ट्रेडिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट होना होगा, ठीक है। ट्रेडर बनने के लिए क्या होना होता है, सॉफ्ट होना होता है। अगर आप सॉफ्ट नहीं रहेंगे, हार्ड रहेंगे, लचीलापन नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेंगे रहेगा तो आप बेकार है, फिर आप बैठ जाइए बाहर। अब बात करते हैं कि एंट्री, तो मान लेता हूँ कि आपने कोई एक स्टॉक ए लिया, मान लेता हूँ एक स्टॉक ए है, पहले तो ये पूछिए कि मैं इसमें ऐसा क्या है, आप पहले ये ढूंढिए कि इसमें ऐसा क्या है कि आपको इसमें एंट्री लेना है, इसने ऐसा आज क्या लगा लिया है अपने अंदर, क्या सोना हीरा मोती जवाहरात जड़ गया कि आपको इसमें एंट्री लेना है, बी में क्यों नहीं लेना है, ए में ही क्यों लेना है, पहले तो वो ढूंढिए सवाल। तो अगर इसने ए का आपने आपने इन्वेस्ट कर कर रखा है, इसका स्टडी कर रखा है एक रात पहले, यानी एक दिन पहले स्टडी कर रखा है, यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि अगर ए जो है इस पॉइंट पे आएगा तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होगा, इस पॉइंट पे अगर आता है तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होगा, अगर इस पॉइंट पे मुझे मिलता है तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा होगा, ठीक है। माने आपने प्लानिंग कर रखा है, आप उस स्टॉक्स का स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो अब आप लाइव मार्केट में आए, अब मार्केट में आए, अब आपको एंट्री करने की बात है, तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो स्टडी किया हुआ था इस तीनों में से किस जगह पे शूट हो रहा है, कहाँ पे वो ए नंबर का स्टॉक कहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है तो आपका ये वाला स्ट्रेटेजी, यहाँ पे घूम रहा है तो आपका ये वाला स्ट्रेटेजी प्लानिंग, और यहाँ पे घूम रहा है तो आपका ये वाला प्लानिंग। अब मान लेता हूँ इस तीनों में कहीं नहीं स्टॉक जो है यहाँ पे घूम रहा है, तो इसका तो आपको प्लानिंग ही नहीं किया, तो भैया इससे ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना, फिर इससे बाहर होकर बैठना, चुपचाप बैठना नहीं करना। जब ये स्टॉक इस जगह पर आएगा तब ये वाला प्लानिंग करिएगा, या जब स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा तब ये वाला प्लानिंग एक्टिवेट करिएगा, जब यहाँ पर आ जाता है तो ये वाला प्लानिंग, यानी कि आपको वेट करना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंतज़ार, वेट करना भी आना चाहिए। अगर आप वेट नहीं करते हैं तो मार्केट आपको मौका नहीं देता है, बल्कि बाहर फेंक देता है। तो आपको पहले जिस भी स्टॉक्स की एंट्री लेनी है, जिस भी स्टॉक्स में आपको पोजीशन बनाना है, जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना है, आपको उसकी स्टडी एक दिन पहले कर लेना है। अब कहेंगे कि 5,000 स्टॉक है, 10,000 स्टॉक है, 20,000 स्टॉक है, सभी का करेंगे। अरे भाई आप होटल समझिए ऐसे कि आप एक होटल जाते हैं, आपको भूख लगी आप होटल जाते हैं, क्या खाते हैं? पूरा होटल खा जाते हैं? नहीं ना, नहीं खाते ना पूरा होटल, जो आपको पसंद है वही तो खाते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल वही खाता हूँ। तो भाई इसी तरह निफ्टी नाम का एक होटल है, ठीक है, निफ्टी नाम का, निफ्टी 50 नाम का एक होटल है, ठीक है, इसके अंदर 50 मीनू है ना, इसके अंदर 50 मीनू है, यानी कि 50 स्टॉक्स है। तो भाई अपना पसंद का 5 स्टॉक उठा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अपना पसंद का 5 स्टॉक उठा लीजिए, और उस 5 स्टॉक को उठा के अलग 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 स्टडी करिए, ठीक है, कि इस स्टॉक्स ने आज कैसा बिहेवियर किया है, परसों कैसा बिहेवियर किया था, तरसों कैसा था, उसी तरह से आज अगर ऐसा है तो कल कैसा हो सकता है। दो तीन प्लानिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के रखना चाहिए। तो अगले दिन जब भी स्टॉक किसी लेवल पे आपको मिलता है, उस प्लान के हिसाब से मैच कराइए कि वो किस प्लान पे मिल रहा है आपको। अगर वो प्लान पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको उस प्लान के हिसाब से फिर एंट्री लेना है, अगर नहीं मिल रहा है तो वेट करना है। या फिर आपने 5 स्टॉक रखे हैं स्टडी करके, तो आपको एक स्टॉक में नहीं मिला तो आप दूसरा स्टॉक का वेट करिए, तीसरा स्टॉक पे चले जाइए, चौथा पे जरूर। अब समस्या तब आपके साथ होती है जब ये 5 स्टॉक नहीं चलता, आपने 5 सेलेक्ट किया और ये नहीं चला, पता चला जिसको आपने छोड़ दिया वही स्टॉक चल रहा है छठा, तो ये पेन होता है। ये क्या होता है, ये पेन आने लग जाता है, ओ देखो हम इसको छोड़ दिए, इसको पकड़ लिए, देखो ये चल गया ये नहीं चला। अरे भैया चल गया उसको चलने दीजिए, है ना। आप सोचिए कि आप दुनिया में अकेले हैं जो ये 5 स्टॉक को पकड़े थे, जरा ठंडे दिमाग से कौन इतना सा छोटा सा चीज़ एक सिंपल लोग क्यों नहीं समझता, मुझे ये नहीं पता कि आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये 5 स्टॉक को सिर्फ आप ही को पता था ये 5 स्टॉक,
तो आप अकेले हैं दुनिया में, आप जो इस 5 स्टॉक को ट्रेड कर रहे थे, तो जवाब आएगा नहीं अकेले नहीं, तो और भी लोगों को होगा। इसका मतलब और भी लोगों का भी तो वो नहीं चल रहा होगा, तो फिर क्यों रोना है भैया, क्यों इस बात का रोना है कि आप अकेले जैसे फीलिंग आ रही है कि हाँ हम बर्बाद हो गए, हमसे ये हम नहीं कर पाए, तो और भी लोग भी होंगे, उनके साथ भी हो, यानी गलती तो बहुत सारी हो रही है, तो उस बात का मत रोइए कि आप अकेले हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे तो अब दूसरा स्टॉक चल गया, या हो सकता है ये जो 5 स्टॉक है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपने 5 रखा, पता चला आपने 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, ठीक है नहीं लिया, 2 नंबर को पकड़ के ट्रेड कर गए, तो 1 चल गया, 3 चल गया, 2 नहीं चल रहा जिसको आपने पकड़ लिया, ठीक है। अब इसमें भी रोना होगा आपका, अरे यार ये 1 और 3 छोड़ दिया, देखो दूसरा नंबर को पकड़ा, दूसरा चल ही नहीं रहा है, तो क्या आप अकेले हैं उस स्टॉक में ट्रेड करने वाले? नहीं ना, और भी तो लोग होंगे, तो क्यों परेशान हो रहे भैया, क्यों परेशान हो रहे? बस ये पता करना है कि हमने आखिर इसमें फॉल्ट क्या किया। तो अब वो उस दिन तो नहीं हो सकता ना, उस समय नहीं हो सकता, जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं उस वक्त नहीं हो सकता, तो ऐसा है आप सीधा सीधी एग्जिट कर लीजिए, और जब मार्केट बंद हो जाए ना, तो फिर से इस 5 स्टॉक को अपने सामने लाइए, फिर से इस 5 स्टॉक को अपने सामने लाइए, और अपने सामने ला के रख के देखिए कि इसमें क्या सिनेरियो बना था, इसमें क्या सिनेरियो बना था जो ये चल गया, और इसमें ऐसा क्या सिनेरियो हो गया था जो ये नहीं चल पाया। इसको आप स्टडी करना शुरू कर दिए, आपको वो पता चलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है मालवीय साहब, ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, ये मिनट में नहीं होता है, ये 1 दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में नहीं होगा, ये 5 दिन में नहीं होगा, ये 10 दिन में नहीं होगा, ये 15 दिन में नहीं होगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि ये 1 दिन ज़रूर होगा, ठीक है, 1 दिन ज़रूर होगा आपसे, और आप ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसलिए मैं आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो बना के चाहता तो वहाँ पे लिख देता, लेकिन इतनी बातें मैं लिख नहीं सकता हूँ, और मेरी अंग्रेज़ी तो वैसे भी बहुत भयानक है, पता ही आपको है कि अगर अंग्रेज़ रहते अभी तो भाग जाते, तो ऐसी बात है, तो मेरी इंग्लिश तो वैसे भी रद्दी है, तो मैं वहाँ पे लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। और विल शुड बी इंट्राडे ट्रेडिंग, आप अगर ने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके चैनल पर देखिए आरके ट्रेडिंग पे, आपको पता चलेगा सर, और आपको ये पता चलेगा कि कैसे देखना है, क्या आप में कमी है, क्या अच्छा है, वहाँ पर उस वीडियो से मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि उम्मीद है जिसके लिए ये वीडियो बनता है वो वीडियो वो देखता नहीं है, बस ऐसे ही वो अपनी क्यूरियोसिटी करता रहता है, घुमाता रहता है। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।